नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है खबर का। आपको बता दें, पसमांदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अनीस मंसूर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हज यात्रा पर जा रहे हजियों को एक दिक्कतों का मुद्दा उठाया है। प्राइम टीवी के खास बातचीत में उन्होंने कहा कि रमजान का पाक महीना चल रहा है, ऐसे में दुनिया भर से हाजी हज के लिए जाते हैं। भारत से भी हाजियों ने हज के लिए आवेदन किया है, लेकिन अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के लचर रवैये के कारण पिछले वर्षों की तुलना में सिर्फ 1/4 लोगों ने ही आवेदन किया है और हाजियों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। हर यात्रियों को कदम कदम पे आ रही दिक्कतों को मद्देनजर रखते हुए पसमांदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अनीस मंसूर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और तमाम मुद्दों को रखा है। हमसे बातचीत करने के लिए इसमें मौजूद हैं। सर, क्या कुछ मुद्दा है जिसकी वजह से आपको आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? देखिए, मुद्दा बहुत बड़ा है। जो आजमीन हज की यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए मैं देख रहा हूँ कि इस वर्ष पिछले 4 महीना लेट में गाइडलाइन जारी की सरकार ने, और तब जारी की कि जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माननीय प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखा, उसके 1 हफ्ते के बाद गाइडलाइन जारी हो गई। गाइडलाइन जारी होने के बाद लोग फॉर्म लेने लगे, उसके बाद बैंकों में पैसा जमा करने के लिए हमेशा NIC की प्रॉब्लम रहती है, वहाँ सर्वर डाउन रहता है। तो जो सर्वर डाउन होने की वजह से हज के जो जाने वाले लोग, वो पूरे पूरे दिन धूप में लाइन में लगे रहते, बाद में उन्हें निराश होकर लौटना पड़ता है। ऐसे में जो हज का कोटा था सरकार का, उस कोटे में से केवल 26,000 तकरीबन लोग हज यात्रा के लिए तैयार हुए हैं, बाकी 1/4 लोग ही जा रहे हैं और बाकी सारा कोटा खाली है। ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो कोटा खाली, वरना हज के पर जाने वाले ज़्यादा लोग होते थे और कोटा कम पड़ जाता था। तो सवाल इस चीज़, जब लॉटरी सिस्टम सब हो गया, जाने वालों को तय हो गया कि ये लोग हज पे जाएंगे, तो उनके लिए सरकार, चलिए 1/4 ही लोग जाएंगे, तो कम से कम उनके लिए सरकार को व्यवस्था बनानी चाहिए ताकि बैंकों में पैसा जमा कर सके, उन्हें लाइन न लगानी पड़े। और तीसरी बात है, जो मेडिकल फिटनेस के लिए अनिवार्य किया गया कि सरकारी अस्पतालों का ही फिटनेस माना जाएगा, तो सरकार से मेरा अनुरोध है कि जैसे पिछले साल भी मेडिकल सर्टिफिकेट अनिवार्य था, लेकिन उसमें ये शर्त थी कि कोई भी डॉक्टर उसमें, और रिटायर्ड डॉक्टर, MBBS डॉक्टर, प्रैक्टिशनर, ये सारे लोग, या सरकारी अस्पताल के डॉक्टर, ये कोई भी आदमी मेडिकल सर्टिफिकेट जब इशू कर देता था तो उसको सऊदी गवर्नमेंट ने माना, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इस बार स्मृति ईरानी जी ने इस हज को इतना कठिन बना दिया, इतना ज़्यादा उसमें पेचीदा बना दिया कि हर कदम पर आजमीन हज को दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में हम प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख करके फिर दोबारा ही अवगत कराना चाहते हैं कि इसके राजनीति के तहत जिस तरीके से 50,000 छूट की बात की जाती है ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए, और उसमें छूट का आज तक मंत्री ने मत नहीं बताया, सरकार नहीं बताया कि 50,000 की छूट हम हज में दे रहे हैं तो आपको किस मत में दे रहे हैं। जो मुझे पता चला है कि जो $2100 जो दिया जा रहा है, वो रियाल 2100 रियाल जो दिया जाता था, वो हज के टाइम वो पैसा जमा हो जाता है, उसके बाद सरकार जब बैंकों से जब जाने को होता है तो एयरपोर्ट पे उनको वो पैसा रियाल में कन्वर्ट करके दिया जाता है। लेकिन सरकार ने अब की इस बार ये नियम कर दिया कि आपको बैंक में अपना पैसा जमा करना पड़ेगा और वहाँ पर ATM से निकालना पड़ेगा। हमारे हज पे जाने वाले ज़्यादातर अब कम पढ़े लिखे लोग, पसमांदा तबके के लोग हैं, वो पढ़े लिखे लोग नहीं, वहाँ अरबी पे सारे ATM है, वो कहाँ कार्ड लेकर के भटकेंगे और कहाँ से पैसा निकाल पाएंगे? यहाँ हिंदुस्तान के अंदर तो लोग पैसा निकाल नहीं पाते कम पढ़े लिखे लोग, और सऊदी अरब में जो वहाँ सारा अरबी में सब चलता है, वो कैसे उसको पढ़ पाएंगे? इस तरीके से कहीं ना कहीं सरकार हाजियों को एक, मुझे ऐसा लगता है कि परेशान करने जैसा है। अब मेडिकल सर्टिफिकेट ऐसा मांगा जा रहा है जैसे लग रहा है कि उनका ऑपरेशन होना है, इसलिए शुगर भी चेक होना चाहिए, सब कुछ BP वगैरह होना चाहिए। तो ये हज पे जा रहे हैं या ऑपरेशन कराने जा रहे हैं, मेरी सरकार की मंशा कुछ समझ में नहीं आती कि सरकार आगे चाहती क्या है। हाजी जो है सदियों से हज की यात्रा कर रहे हैं, हमने एक कोविड का भी दौर देखा था, कोविड के समय में हज की यात्राओं पर पाबंदियाँ लगी हुई थी, क्या कुछ बदलाव आ गया है कोविड के पहले और कोविड के बाद, कुछ बताइए। देखिए, पिछले बार भी हाजियों के साथ में इस तरह समस्याएं थी, लेकिन कम थी। इससे पहले भी
समस्याएं थी, लेकिन कम धीरे धीरे समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। हर साल कोई ना कोई नई गाइडलाइन होता है, नए नियम बनाए जा रहे हैं, नए कानून बनाए जा रहे हैं। इस नए कानून के तहत हाजियों को हज पे जाने के लिए कदम कदम पर दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। हज यात्रा को आसान और बनाना चाहिए ताकि हज पे जाने वाले जो पसमानदा तबके, पिछड़े वर्ग के लोग, गरीब तबके, गांव के लोग, कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो हज यात्रा इतना आसान होना चाहिए कि वो उसका पूरा पारा फ़ायदा उठा सके और वो अपने हज को पूरी तरह से कंप्लीट कर सकें। लेकिन सरकार पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा हज को पेचीदा बना रही है ताकि हमारे लोग जा जा के कदम कदम पर परेशान हों। तो इसलिए मेरी सरकार से अनुरोध है कि हज पे जाने वाले आजमीने हज के जो भी लोग जा रहे हैं उनके लिए सुविधाओं से लैस सारी व्यवस्था होनी चाहिए, और जो अब परेशानी जल्दी से जल्दी यहाँ का नुमाइंदा पहुँच करके, बड़े अफसोस की बात है कि दुनिया के सभी देशों ने पहले जा करके 6-6 महीना पहले वहाँ के अच्छे अच्छे होटलों को बुक करा लिया, और हमारे हिंदुस्तान के अंदर कोई भी नुमाइंदा का अभी मक्का मदीना होटल बुक कराने देखने तक नहीं गया। ऐसे में सारे होटल जब अच्छे अच्छे बुक हो जाएंगे तो सारे खटारा होटल, सारे कम सुविधाओं वाले होटल हमारे आजमीने हज को मिलेंगे, और ये लोग बेचारे वहाँ गंदा पानी, गंदा टॉयलेट, गंदे चादर, गंदे बिस्तर का सामना इनको करना पड़ेगा। ऐसे में उनको तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ सरकार जल्द से जल्द पहुँच करके वहाँ अच्छे होटल सुविधाओं से लैस हाजियों के लिए, क्योंकि हाजियों को पैसा तो पूरा देना पड़ रहा है, अब तो अच्छे होटल जगह ये यहाँ पर भी आशंका है कि खराब होटल में कम सस्ते में उनको मिल जाएगा, तो बीच में भी घपले की भी आशंका जताई जा रही है। ये जो देर सवेर में कहीं ना कहीं हज यात्रियों का जो पैसा जमा हुआ हो रहा है उसमें सस्ते होटल लेकर के, कम सुविधाएं वाले होटल लेकर के उनके साथ भी खेल करने की साजिश हो सकती है। तो ये थे हमारे साथ पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री अनीस मंसूरी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो हाजी हैं उनके ऊपर जो है सरकार को ध्यान देना चाहिए ताकि व्यवस्थाएं सुदृढ़ हों और वो आराम से जाके यहाँ पर हज की यात्रा कर सके, तमाम तरह की सुविधाओं से उनको लैस करना चाहिए। और काफ़ी एक अच्छी बात उठाई उन्होंने कि बाकी सारे देश जो हैं वो समय रहते ही अपनी सारी सुविधाओं को अपने लोगों को वहाँ पर पहुँचा चुके हैं, लेकिन जो भारत के जो हाजी है वहाँ जाके उनको सस्ते होटलों में रहना पड़ रहा है, काफ़ी सारी मुसीबतों का सामना उन हाजियों को करना पड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ मैं विवेक शाही, प्राइम टीवी लखनऊ। इस खबर में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ बाल पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।